नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल संसार ग्रुप में। मैं हूं अरविंद और आज हम भारतीय दंड संहिता के इस भाग में अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। अध्याय 3 है दंड के विषय में। भारतीय दंड संहिता में दंड किस प्रकार से और किस तरह से दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को, ये बताया गया है। तो सबसे पहला बताया गया है मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है विरल से विरलतम मामलों में ही दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ अपराध में, जैसे कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, धारा 121, विद्रोह करना और दुष्प्रेरित करना जिससे विद्रोह हो जाए, धारा 132, मिथ्या साक्ष्य देना या झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाए, धारा 194 के अंतर्गत हत्या के लिए मृत्युदंड है। किसी पागल बालक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना 305 के अंतर्गत, और आजीवन कारावास से सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा फिर से हत्या करना, धारा 307 के अंतर्गत हत्या सहित डकैती करना 396 के अंतर्गत। और अभी एक और धारा वर्तमान में बताया गया है, धारा 376 में हत्या सहित अगर कोई डकैती करता है, हत्या सहित कोई अगर बलात्कार करता है, बलात्कार के साथ साथ किसी लड़की को मार देता है तो भी मृत्युदंड की प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड का प्रावधान जो है विरल से विरलतम मामलों में दिया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण मामला है बच्चन सिंह बनाम राज्य का मामला, जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड जो है विरल से विरलतम मामलों में दिया जाएगा। इसके बाद है दूसरा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का अर्थ होता है 20 वर्ष तक के लिए कारावास, जो धारा 57 के अंतर्गत बताया गया, परंतु यह केवल गणना के लिए है। जैसा कोई अपराध करने का प्रयास, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की आधी अवधि से दंडनीय। यदि कोई अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उसके प्रयास के लिए 10 वर्ष का कारावास होगा। कोई व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया है 20 वर्ष के पहले छोड़े जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। यह बात दूसरी है कि सरकार उसे दया करके छोड़ दे। आजीवन कारावास की अवधि कितनी होना चाहिए, तो यह है आजीवन कारावास की अवधि जो है अपराधी के मृत्यु तक होती है। कई लोगों के मन में शंका होती है कि आजीवन कारावास और उम्र कैद क्या है, तो दोनों शब्द एक ही है, आजीवन कारावास और उम्र कैद। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई बोलता है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष होता है तो यह सिर्फ गणना के लिए है। अगर मूलतः देखा जाए तो आजीवन कारावास जिंदगी भर सजा जेल में ही काटना होता है। जब कभी काउंट करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और काउंट करना है, जैसे किसी दुष्प्रेरण का अपराध किया है और उसके लिए अगर आजीवन कारावास है दुष्प्रेरण के लिए, अपराध के लिए, तो अगर काउंट करना है तो उसको 20 वर्ष की गणना के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि उसके प्रयत्न के लिए आधा दंड दिया जा सकता है। उसके बाद है तीसरा, हटा दिया गया है तीसरा जो है अपराध जो है था आजीवन निर्वसन, जिसे इस कोड़े मारना था, धारा 53 में जो हटाया गया है तीसरा अपराध जो है कोड़े मारना था किसी अपराधी को, जिसको हटा दिया गया, फिर भी काउंटिंग में आता है। अगर पूछा जाता है कि धारा 53 के अंतर्गत कितने प्रकार से दंड दिया जा सकता है, दंड के वर्ग हैं, तो ये है 6 प्रकार से होते हैं, लेकिन वर्तमान में 5 प्रकार के ही दंड हैं। अगला है चौथा कारावास, जो दो भांति के होते हैं, अर्थात कठिन कारावास कठोर श्रम के साथ, और दूसरा होता है सादा कारावास। कभी कभी सुनते हैं कि अभियुक्त को कठोर कारावास दिया गया है, तो कठोर कारावास होता क्या है, सश्रम कारावास बोला जाता है इसको। तो अगर किसी व्यक्ति को जब जेल जाना पड़ता है तो अगर कठोर कारावास से दंडित है तो उसे जेल के अंदर काम करवाया जाता है, जैसे कि अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना इत्यादि। सादा कारावास में बंदी व्यक्ति को जेल में कोई काम नहीं करवाया जाता है, वो सिर्फ जेल में बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं होता। तीसरा एक और कारावास होता है, जो आगे हम धारा 73 और 74 में पढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ एकांत परिरोध दिया जाता है, जिसके बारे में धारा 73 74 में बताया गया है, ये भी एक तरह का कारावास ही है, इसको हम आगे
73 और 74 में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है संपत्ति का समापहरण यानी कि संपत्ति की जब्ती। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता में धारा 126, 127 और 169 में बताया गया है कि संपत्ति का समापहरण कब होता है। जब कभी आप अपराध करके भाग जाएं या आपको कोई जुर्माना दिया गया है और जुर्माना होने के बावजूद भी आपने जुर्माना नहीं पटाया तो आपकी संपत्ति से वसूल कर सकता है संपत्ति का समापहरण, यही होता है। उसके बाद है छठा अपराध है जुर्माना। बहुत सारे अपराध में सजा के साथ साथ जुर्माना या केवल जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप इस अधिनियम के धारा 263 का 283 290 में जुर्माना सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए बताया गया कि ये तो हो गया आपका धारा 53 दंड। उसके बाद आता है धारा 53 का निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाना। वास्तव में निर्वासन क्या है? अक्सर हम अंग्रेजों के शासन काल में सुने हैं कि निर्वासन यानी कि काला पानी का सजा। तो ये आप लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पे काला पानी का सजा दिया जाता है, था दिया जाता था, लेकिन उसको भारत के आज़ाद होने के बाद इस सजा को हटाकर इसमें आजीवन निर्वासन के स्थान पर आजीवन कारावास शब्द जोड़ दिया गया है। तो अगर कहीं भी अगर आजीवन निर्वासन शब्द इस अधिनियम में आया जाता है तो ये पढ़िए कि वो आजीवन कारावास है, क्योंकि आजीवन निर्वासन यानी कि काला पानी की सजा जो है अब समाप्त कर दी गई है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंडादेश प्राप्त हुआ है तो समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उसको कम कर सकती है। जो समुचित सरकार है क्या, कि धारा 55 का में बताया गया है कि राज्य सरकार के मामलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मामलों में केंद्र सरकार। इसमें कभी बहुत बड़ा विवाद चल रहा था राजीव गांधी हत्याकांड में कौन समुचित सरकार होगा। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने अभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है कि लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में जो पार्टी है लोकसभा चुनाव में हम जीतते हैं तो राजीव गांधी के हत्याकांड के दोषियों को माफ़ कर देंगे, क्षमादान प्रदान कर देंगे। तो अभी कुछ साल पहले एक और विवाद उठा था कि राजीव गांधी की हत्या जो नलिनी नाम की एक महिला ने करवाया है जो अभी तक जेल में बंद है, क्या धारा 54 के अंतर्गत समुचित सरकार यानी कि राज्य सरकार में आते हैं या केंद्र सरकार में। तो यहाँ एक विवाद हुआ, तमिलनाडु सरकार ने नलिनी सिंह जो राजीव गांधी की हत्यारा महिला उसकी सजा माफ़ कर दी थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील गया क्या राज्य सरकार को यह अधिकारता है। तो सबसे पहले एक इशू हुआ, इस इशू को डिसाइड किया गया क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो है संघ का अधिकारी होता है और संघ के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए राज्य ने जो कदम उठाया था कि नलिनी सिंह की जो है सजा माफ़ किया जाए या नहीं, तो इसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यह अधिकारता केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, तो इसमें समुचित सरकार ही कर सकता है। अगर मामला जो है केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार। 14 वर्ष से कोई भी सरकार जो है ऐसे अपराधों का लघुकरण कर सकती है जो 14 वर्ष से अधिक का न हो। लघुकरण मतलब है दंड को कम करना। धारा 55 का जैसे कि हमने बताया, धारा 55 का में समुचित सरकार की परिभाषा बताई गई है, दो धारा 54 और 55 में उपयोग हुआ है शब्द। तो समुचित सरकार बता दिया हमने पहले भी, राज्य सरकार के किसी अपराध के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र सरकार होता है। धारा 56 जो है हटा दिया गया है। धारा 57 है दंडाधियों की भिन्ने, जैसे कि हमने अभी धारा 53 पढ़ते पढ़ते बताया कि दंडा
तिथियों के भिन्न जो हैं। अगर किसी उम्र कैद को या आजीवन कारावास को गणना की दृष्टि से देखा जा रहा है, अगर काउंटिंग करना है तो उसे 20 वर्ष के तुल्य ही माना जाएगा। लेकिन पहले ही बता दिया गया है आजीवन कारावास मतलब जिंदगी भर मरते दम तक जेल में रहना है। इसके बाद आता है धारा 60, दंडाधीश कारावास के किसी भी मामले में संपूर्ण कारावास या उसका भाग कठिन या सादा हो सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है तो न्यायाधीश या न्यायालय यह कह सकता है कि आधा कारावास सादा होगा या आधा कारावास कठिन होगा, या पूरा सादा हो सकेगा या पूरा कठिन हो सकेगा। ये न्यायालय के विवेकाधिकार होता है कि ऐसे अधिकार दें। लेकिन अगर किसी अपराध में यह बता दिया गया है कि अगर कठिन कारावास ही होगा तो न्यायालय वहां पे कठिन कारावास ही देगा। धारा 63 बोलता है जुर्माने की रकम। अगर किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना दिया जाना है तो वो कितना होगा, किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ की वह राशि अभ्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना दिया जा सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी वहाँ अमर्यादित है किंतु अत्याधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है, मान लो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर एक रोटी चुराने का अपराध है, मतलब उसने तो चोरी तो किया है 379 या 380 के अंतर्गत परिभाषित या था परिभाषित 378 के अंतर्गत, तो चोरी तो किया है, उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता लेकिन उसको सजा तो मिलेगी। तो हम मान लो जाए अगर चोरी के लिए किसी निश्चित जुर्माने की राशि नहीं दिया गया है उस धारा में, तो क्या हम उसको एक रोटी चोरी करने के लिए 10,000, 5,000 या 50,000 रुपया दंड से दंडित तो नहीं कर सकते, क्योंकि अमर्यादित नहीं होना चाहिए, अत्याधिक अमर्यादित हो सकती लेकिन अत्याधिक नहीं होना चाहिए। अब एक बंदा जो है बेचारा एक रोटी चोरी कर दिया है, उसके लिए 10,000 रुपया जुर्माना कर देना ये अत्याधिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार से मान लो जाए अभी विजय माल्या जो है सरकार के साथ धोखाधड़ी करके बैंक के पैसे लूट के भाग गया, अब 11,000 करोड़ रुपया लगभग गबन किया है, तो उसके लिए क्या 100-200 करोड़ रुपये का जुर्माना देना सही होगा, तो नहीं। तो ये बोलता है धारा 63 जुर्माने की रकम जो है अमर्यादित हो सकता है किंतु अत्याधिक नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए तो जब 11,000 रुपया का गबन किया है तो कम से कम उससे ज़्यादा जुर्माना किया जाना अच्छा ही होगा। तो इन सब चीज़ों को जब न्यायालय किसी व्यक्ति को अगर दंडित करता है तो अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे जुर्माने से या दंड से दंडित करना चाहिए, ये बताया गया है। धारा 64 बोलता है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के लिए जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडित हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडाधीश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने के में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है, जिसके लिए वह दंडाधीश का लघुकरण पर दंडनीय होता है। इस धारा का पर्याय यह है, आशा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना या कारावास सहित जुर्माना से दंडित किया जाता है और जुर्माने का रकम नहीं देता तो उसके अलावा भी उस जुर्माने के रकम न देने पर भी उसे सजा भुगतना पड़ेगा, ये बताया गया है। इसके बाद आता है धारा 65, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं या आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि क्या होगी, तो बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति में यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने का लोप किया गया है या व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगा जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। तो इसके लिए किसी एक अपराध को ले लेते हैं, मान लो जाए
किसी अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा है, तो उसका अगर जुर्माना नहीं देता तो उसको कितना होगा, तो 3 वर्ष का 1/4 यहाँ पे निकाला जाएगा, अधिकतम उसको 3 या 9 माह दिया जा सकता है जुर्माना न देने पर सजा। धारा 66 बोलता है कि जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा, तो वह कारावास जिसके लिए न्यायालय जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे ऐसी किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। मान लो जाए किसी अपराधी को कठोर कारावास से दंडित किया गया है और जुर्माना नहीं देता, तो जुर्माना न देने पर आगे का जो कारावास है वो भी कठोर होगा, और किसी अपराधी को सादा कारावास दिया गया है और जुर्माना नहीं देता तो जुर्माना न देने पर जो कारावास होगा वो भी सादा ही होगा। धारा 67 बोलता है जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो इसमें 3 तरह के माप बताए गए हैं। पहला बोलता है अगर अपराध जो है केवल 50 रुपया से ही दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर जो है 2 माह से ज़्यादा की सजा, अतिरिक्त सजा नहीं होगी, और अगर अपराध जो है 100 रुपया से अधिक नहीं है, 51 रुपया से 100 रुपया तक का है, तब अधिकतम कारावास जो है जुर्माना न देने पर है 4 महीना हो सकती है, और 100 रुपया से अधिक होने पर यानी 101 रुपया से अनलिमिटेड होने पर जो जुर्माना नहीं दिया जाता उसका अधिकतम कारावास 6 महीना ही हो सकता है। धारा 68 बताया है कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना पर, यानी कि जुर्माना देने पर कारावास जो भुगत रहा है एक्स्ट्रा कारावास, अतिरिक्त कारावास, वो समाप्त हो जाएगा। जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब परिभाषित यानी समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना दे दिया जाता है या विधि द्वारा ले लिया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया विधि द्वारा, प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को विक्रय करके या किसी भी रूप में ले लिया जाता है। धारा 69 बताया जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसन। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए जाने के भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास जो है परिभाषित हो जाएगा। इसमें एक बताया गया है दृष्टांत, इसको अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। धारा का 100 रुपये की जुर्माने और उसे देने के व्यतिक्रम होने की दशा में 4 माह के लिए दंडादेश किया गया है। यदि का जो है कारावास 1 माह के अवसान से पूर्व 75 रुपये चुका दे या उससे ले लिया जाए तो प्रथम मास का अवसान होते ही क को छोड़ दिया जाएगा। यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर ही या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि क कारावास में है चुका दिए या उद्ग्रहित कर ली जाए तो क को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यदि कारावास 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये चुका दिए जाए या ले लिया जाए तो क को 2 मास पूरे होते ही छोड़ दिया जाएगा। यदि 50 रुपये उन 2 माह के अवसान पर किसी पश्चातवर्ती यानी बाद के समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाने पर या ले लिए जाने पर दे दिया जाता है तो क को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 70 बोलता है जुर्माने का जो रकम है वो 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान लिया जाएगा। एक और शब्द जोड़ा गया है संपत्ति के दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति को कारावास सहित जुर्माना दंडादेश किया गया और उसके बावजूद भी वो नहीं पटाया गया
तो लेकिन जो उसका सजा दिया गया, अधिकतम सजा दिया गया, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है, जो जुर्माना न्यायालय जो है, जो जुर्माना दंडादेश किया है, आप कितने भी सजा भोग लो, उसके लिए जो निश्चित सजा है उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आपकी मृत्यु हो गई या आप जेल से छूट गए, तो भी वो जुर्माना जो आपको दंडादेश किया था उसको लेकर ही रहेगा, और वो आपकी संपत्ति बेचकर या किसी भी तरीके से वो कारावास वसूल ही करता है। इसके लिए समय सीमा बताया गया है जो 6 वर्ष है। 6 वर्ष के भीतर जो है सरकार या न्यायालय जो है उस जुर्माने की रकम को हर हाल में आपसे ले ही लेगा। धारा 71 बोलता है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। जहां की कोई बात जो अपराध है, ऐसे भागों से जिनका कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अव्यक्त उपबंध न हो। जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाले किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, वहां अपराधी को उसी उससे गुरुतर रूप से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराध में किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। धारा 71 को समझने के लिए एक दृष्टांत है। धारा 171 को अच्छी तरह समझाता हूँ मैं। जैसे कि क और ख के बीच लड़ाई झगड़ा होती है। क ने ख को 50 प्रहार किए, तो इस 50 प्रहार के लिए अगर हम हिसाब करें तो एक एक प्रहार के लिए कोई झगड़ा होता है तो एक प्रहार के लिए मान लो जाए 1 वर्ष सजा है, तो 50 प्रहार के लिए 50 वर्ष हो जा सजा होगी। लेकिन ऐसा दंड उपबंध नहीं किया गया है, इसको एक ही संव्यार माना गया है। इसीलिए अगर चाहे किसी को एक ही प्रहार करो या 50 प्रहार करो, एक समय में उसी समय में आपको एक ही दंड से दंडनीय होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लो जाए कि आपने क को जो ख जो है सुबह मारा, उसके बाद शाम को मारा, तो ये अलग अलग समाहारों में हुआ अपराध है, तो इसके लिए अलग अलग दंड से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद है धारा 72, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। अब हमें पता नहीं चलता कि उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विधिवत कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से कौन सा अपराध का दोषी है। तब यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंध नहीं है, तो वहां अपराधी उस दंड के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया। अब मान लो जाए आपके किसी व्यक्ति को कोर्ट में लाया गया है, कोर्ट को ये समझ नहीं आता है चोरी किया है, उद्यापन किया है या लूट किया है। अब जहां एक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसने किया क्या है, तो सबसे बड़ा दंड तो लूट में दिया जाता है, उसके बाद उद्यापन में, उसके बाद चोरी में, तो सबसे कम दंड किस में है, चोरी में। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है चोरी के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करेगा, क्योंकि ये सामान्य क्रम में होता है। आप अगर आप लूट पढ़े तो लूट दो ही प्रकार से होता है, या तो चोरी द्वारा या तो उद्यापन द्वारा। लूट जो है चोरी या उद्यापन का गुरुतर रूप है, और उसके अगर देखा जाए अलग अलग कर दिया जाए तो हर चोरी में तो हर लूट में या तो चोरी हो या तो उद्यापन होता है। इसीलिए सबसे छोटे अपराध चोरी है, तो चोरी के लिए किसी व्यक्ति को जहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कोर्ट कि लूट है कि चोरी है कि क्या है, तब उसको चोरी के अपराध के लिए दंडित करेगा इस धारा के एक उदाहरण के रूप में। धारा 73, जैसे कि हमने धारा 53 का पढ़ते हुए बताया कि
कि दंड में एक और दंड होता है एकांत परिरोध। तो धारा 73 बताता है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास या उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड दिया गया है तो एकांत परिरोध ऐसा होता है जिसे उसे किसी अन्य कैदियों के साथ ना रखकर किसी एक निश्चित जगह में, जिसे हम काल कोठरी भी कहते हैं, बहुत छोटे से जगह में अकेले रखा जाता है, तो उसे एकांत परिरोध की दंड दिया जाता है, या बहुत विरलतम से विरल मामलों में दिया जाता है। तो इसकी गणना के लिए एक नियम बताया गया है कि उस किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध एक बार में कितना दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जो कारावास दिया गया है वो 6 माह से अधिक नहीं है तो एक बार में उसको एक एक जो है तो उसको 6 माह से अधिक नहीं है